जगत में तुमत ने पाप कमाया कर ये सारे काम सही हो जाएंगे ईश्वर के गुण गाया कर लिखने का शौक है एक दो बात लिख लेते हैं अच्छी लगे तो सुनने के बाद ताली बजा दियो मुझे जो लगता है कि वह ऐसा काम करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा दादा जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से उनके सत्संग में रहने का मुझे मौका मिला जीवन ही बदल दिया कुछ महान लोगों ने कर ले अच्छे कर्म जगत में कर ले अच्छे कर्म जगत में मत न्यारे पाप कमाया कर सारे काम सही हो जाएंगे ईश्वर के गुण गाया कर सारे काम सही हो जाएंगे कमाया कर सारे काम सही हो जाए ये महाशय जी आजाद सिंह खंडा खेड़ी वाले जी नरेंद्र दांगी जी 100-100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं 100 रुपए हमारे मामा जी बिंदर जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी ये हमारे छोटे भाई विकास निराला से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारे बड़े भाई मनोज शर्मा जी गांव जीवनपुर से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है छोड़ पराई चुगली निंदा कदे नहीं होगा शर्मिंदा अपने जमीर न रख ले जिंदा अपने जमीर न रख ले न जगह जगह ललचाया कर सारे काम सारे काम सही हो जाए दादा लक्ष्मीचंद जी की भूमि से शेरशाह जाटी गांव से ये जो कमेटी है 200 रुपये सम्मान करते बहुत बहुत धन्यवाद है 100 रुपये से हमारे बड़े भाई साहब अशोक जी ने सम्मान किया बहुत बहुत धन्यवाद यूपी से उत्तर प्रदेश से हमारे अजीत मित्र सुभाष जी 100 रुपये से सम्मान करते हैं हमारे बड़े भाई साहब राजा गांव पड़ाना से 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अहंकार ने देख छोड़ के इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार होता है जी अहंकार समझते हो ना घमंड घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है घमंडी आदमी का गुस्सा बहुत ज्यादा उठता है और गुस्से में लिया हुआ फैसला इंसान को बर्बाद कर देता है अरे जी न्यू के बेरा लग गया मानस में घमंड है किसी का माथे पर लिखे आ नहीं भाई वो घमंडी आदमी है उसके लक्षण होते हैं पहचान होती है हमारे दादाजी जगन्नाथ जी बताया करते कि घमंडी आदमी की पहचान क्या है कि वो मैं शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा करता है कि बात बात पे दिया करे जो मैं पे ज्यादा जोर वो अंदर से कुछ और हर बार पे कुछ और हरदम मैं करने वाला अहंकारी पावेगा अपने प्यारियां की गेलियां करता गद्दारी पावेगा मन ही मन में तकता वो परनारी पावेगा और अहंकारी साधु अंदर से संसारी पावेगा क्यों क्योंकि कोना रुकती भीतर में रही ऊट कुदरती लोर वो अंदर से कुछ और हर बार तक कुछ और मैं न्यू कर दूं जो सब तक घना पके वो कह कर राजी हो ले है कर कुछ भी ना सके अपने में ना सबर करे धन और का तके औरा की करे बुराई अपने ऐब न डके और ऐसे मानस दोरो उसे सुखी बोरे बोरे वो अंदर से कुछ और हर बार तक कुछ और
एक आधा तो ऊपर तबड़ा संत दिखाई दे और कर्म ऐसे करे सारा जगत बुराई दे। दो भाइया में चुगली करके वो करा लड़ाई दे और एक जने की जाके ने फिर आप गवाई दे। अरे झूठ बोलने वाला हो से उस राम जी का चोर, वो अंदर से कुछ और हर बार तक कुछ और। के श्री जगन्नाथ इस माया का चमत्कार देखता रह गया और मेले का रंग दुनिया लेगी बाजार देखता रह गया। ऊपर ऊपर ते लोगों का प्यार देखता रह गया, अपने भीतर भड़क के देखा कौन है बाहर देखता रह गया। और परमात्मा से नहीं मिलाई जिन्हें आत्मा की डोर, वो अंदर से कुछ और हर बार तक कुछ और। इसलिए अहंकार को जब छोड़ करके हम जियेंगे तो जीन का न्यारा ही मजा आने लग जाएगा। क्या बता भला, अहंकार ने देख छोड़ के ना उल्टा देखना पड़े बोड़ के। अहंकार ने देख छोड़ के ना उल्टा देखना पड़े बोड़ के। रहले सबते हाथ जोड़ के, रहले सबते हाथ जोड़ के। इस दिल में प्रेम जगाया कर, सारे काम सही हो जाएंगे। ईश्वर के गुण गाया कर, सारे काम सही हो जाएंगे। ईश्वर के गुण गाया जीवन में अभ्यास नहीं किया उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लोगों अगर किसी ने बगैर अभ्यास करे कुछ प्राप्त हो भी गया तो वो उसके काम नहीं आएगा, उसके पास नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। अभ्यास बिना रे कुछ नहीं मिलेगा, अभ्यास से दिल का कमल खिलेगा। अभ्यास बिना कुछ नहीं मिलेगा, अभ्यास से दिल का कमल खिलेगा। जो चाहवे वो जरूर मिलेगा, चाहवे ध्यान निरंतर लाया कर, सारे काम सही हो जाएंगे। ईश्वर के हमारे साथी कलाकार महेंद्र भाई साहब दिघाना से 100 रुपए सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। ये सुनते आ रहे हैं बचपन से के बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। भाई क्यों माने, यो भी सवाल है कि क्यों माननी चाहिए। क्योंकि जीवन में इंसान क्या कमाता है, तजुर्बा कमाता है। और जब कोई अपना तजुर्बा बांट रहा हो ना तो सबसे अनमोल खजाना बांटता है। इसलिए बुजुर्गों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। एक 70 साल का आदमी अगर हमें कोई बात बताता है तो वह बात सीखने खातर उसने 70 साल का होना पड़ा। अगर हमने भी प्रैक्टिकल सीखनी पड़ेगी तो हमने भी 70 का ही होना पड़ेगा। गलतियां करके सीखने के लिए ये जीवन बहुत छोटा है, इसीलिए दूसरों की गलतियों से सीखना ही समझदारी है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों की बात हमने माननी चाहिए। क्या बताया भला, गुरु रणबीर सिंह की बात मान ले, यहाँ कोई गैर ना अपने जान ले। गुरु रणबीर सिंह की बात मान ले, कोई गैर ना अपने जान ले। राम केस थोड़ा सीख ज्ञान ले, राम केस ना थाली टे मगवाया कर, सारे काम सही हो जाएंगे। इस बार के गुण गाया कर।
बाप कमाया कर सारे काम सही हो जाएंगे स्वर के गुणगाया कर सारे काम सही हो जाएंगे स्वर के गुणगाया कर।